हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुवेल मंत्रा में। साथियों, मुझे पता है कि आपका एग्ज़ाम आ गया नज़दीक है और साथियों कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। लेकिन साथियों, जो हमारा एग्ज़ाम है, हमारे जो सब्जेक्ट है सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, साथियों ये अभी नया नया सिलेबस ऐड हुआ है हमारे एक्यूटी यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सारे साथियों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है। उन्हीं की हेल्प के लिए साथियों मैं यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने के लिए एक शॉर्ट रिविजन का वीडियो यहाँ पे डालने वाला हूँ। और आपको यहाँ पे आज जो मैं डालने वाला हूँ आज का, वो हमारा है यूनिट 1। तो साथियों, मैं धीरे धीरे करके आपको एग्ज़ाम के पहले आपको 5 यूनिट तैयार करूंगा, आपको पहुंचा दूंगा, ताकि आप आराम से पढ़ करके अपना एग्ज़ाम दे पाएँ और अच्छे मार्क स्कोर कर पाएँ। साथियों, जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे आप जानते हैं, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, एक्चुअली क्या साथियों, इसका सिलेबस भी कहीं ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है साथियों कि कहीं ना कहीं से जो टॉपिक सिलेबस वाइज है उसको ऐड करके ढूंढ ढूंढ के साथियों आपको मैं PPT बनाया हूँ, ताकि आपको पढ़ाई में आसानी होती है। इसलिए साथियों, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और पूरा अंतिम तक देखने की कोशिश करिएगा। और साथियों, इस वीडियो को स्पीड बढ़ाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं खुद ही इतने स्पीड में बोलूँगा ताकि आपका जल्दी से कम टाइम में आपका रिवाइज हो पाए और साथियों आपका जल्दी से हेल्पफुल हो पाए। तो साथियों, पहला जो हमारा वर्ड आता है सॉयल कंजर्वेशन, क्या है सॉयल कंजर्वेशन? अभी हमने पढ़ा सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, तो पहले ही दिमाग में आता है सॉयल कंजर्वेशन क्या होना चाहिए। ये हमारा टॉपिक भी है, सॉयल कंजर्वेशन क्या होता है, इसको डिफाइन करने की क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ भी बोला सकता है। सॉयल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ द लॉस ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉयल फ्रॉम द इरोजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द रिड्यूस फर्टिलिटी कॉज्ड बाय द ओवर यूजेज एसिडिफिकेशन सैलिनाइजेशन और अदर केमिकल्स एंड कंटामिनेशन। साथियों, ये सोर्स हमारा विकिपीडिया का है, क्योंकि साथियों इससे सिंपल डिफिनेशन मुझे कहीं नहीं मिला जो आप इतने सिंपल से क्लियर वे में कहीं बता पाए। यहाँ बोला गया कि सॉयल कंजर्वेशन हम क्या है, उसमें हम प्रिवेंट करते हैं जो सॉयल की अपर लेवल होती है उसको लॉस होने से, क्योंकि उसमें हमारा क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ फर्टिलिटी होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पे होती है सब टॉप लेवल को, हम उसको रोक कोशिश करते हैं वो हमारा रुक जाए, वो हमारा लॉस ना हो। और क्या होता है इसमें, क्या होती है उसकी फर्टिलिटी किस प्रकार से वहाँ पे कम होती है, ध्यान दीजिएगा। एक तो हम उसको ज़्यादा यूज कर लेते हैं, वहाँ पे एक ही क्रॉप को बार बार उगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ओवर यूज कर भी वहाँ पे एक निश्चित जो हमारी न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी हो जाएगी, या फिर एसिडिफिकेशन हो जाता है। इसमें क्या होती है, जो हमारी pH वैल्यू है वो क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है, क्योंकि एच डाउन हमारा क्या होता है, लॉस हो जाता है चायन। और यहाँ सैलिनाइजेशन और अदर केमिकल कंटामिनेशन द्वारा क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो इसको हम उससे रोकते हैं कि हमारा जो सॉयल हो वो फर्टाइल हो, बना ही रहे। तो साथ की बात आती है यहाँ पे सॉयल करोजन के बाद, लेकिन यही पे होता है कि इसका अगर सिंपल से बात करें तो सॉयल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ द सॉयल इरोजन, मतलब कि सॉयल इरोड ना हो उसको हम रोकते हैं, तो हमारा सॉयल कंजर्व हो जाता है, मतलब कि हमको बचाते हैं। तो सॉयल इरोजन क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म ये भी आ जाता है, क्योंकि सॉयल कंजर्वेशन सॉयल इरोजन आप यहाँ पे कई बार आप यहाँ से मेरे मुँह से सुनेंगे। तो सॉयल इरोजन का मतलब क्या है वो आप यहाँ से समझ लीजिए, क्योंकि जो सॉयल इरोड होती है, सॉयल जो बहती है, ये समझ लीजिए सॉयल इरोजन मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ द सॉयल पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस टू अदर प्लेस। देखिए, अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे आप पता है कि जो हमारा अपर मोस्ट है, जो अपर मोस्ट जो अर्थ क्रस्ट का जो अपर मोस्ट लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉयल बोलते हैं, उसको हम सॉयल के नाम से जानते हैं। अपर मोस्ट वीदर्ड एंड डिसइंटीग्रेटेड, वीदर मतलब जिसका क्षय हो चुका हो और जो मुलायम हो, जिसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जिसको हम उपजाऊ जमीन, जिसको हम यहाँ पे क्रॉप के लिए यूज में लेते हैं। यहाँ पे और बोला गया तो जो ऊपर का जो लेयर होता है उसमें कई सारे मिनरल होते हैं और क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो हमारे जो प्लांट के लाइफ के लिए सस्टेन करने के लिए उसमें योगदान करते हैं, मतलब इस प्लांट में जैसे मैंने बताया उसको हमारा यहाँ पे उसको हेल्प करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, उसको उपजाऊ मतलब कि उसको न्यूट्रिएंट देते हैं, ये बोल हम सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, कई अब यहाँ पे कुछ अदर बात है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बातें लिखी हुई हैं, इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दे दूँगा सारी चीज़ों का, ताकि आप एग्जाम में सब कुछ लिख पाएँ आसानी से, आपको कोई ऐसा वर्ड ना हो कि आपको दूर दूर सुनाई ना पड़े। तो यहाँ पे ये क्या है कि हम जो फर्टाइल लेयर है, कहीं कहीं पे उसकी जो डेप्थ है वो कम है और कहीं कहीं पे उसकी ज़्यादा है, ये प्रैक्टिकली है, कहीं कहीं पे मेल में बदल जाता है, कहीं कहीं मीटर पे भी डेप्थ बदल जाती है, यहाँ भी बोला गया। और ये जो सॉयल लेयर कंटिन्यूअसली एक्सपोज टू द एक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, और जो हमारी अपर लेयर है जो सॉयल लेयर है वो कि हमारी एटमॉस्फेयर के एक्शन में हमेशा रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के एक्शन में हमारे दो एजेंट जो मेन एजेंट हैं, विंड एंड वाटर, हमेशा मोशन करते होते हैं, विंड भी मोशन में रहता है, वाटर भी मोशन में रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये लेयर सॉयल लेयर क्या करते हैं, सॉयल लेयर पर ऐड करते हैं और उसके पार्टिकल को डिसलोज मतलब कि यहाँ पे उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, उसका जो यहाँ पे पार्टिकल जो इसमें बॉन्डिंग है उसको तोड़ देते हैं और उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं पार्टिकल्स को। ये लूजनिंग ऑफ द सॉयल फ्रॉम इट्स प्लेस, मतलब कि एक प्लेस से जो सॉयल लूज हो रहा है, लूज होकर के दूसरे ट्रांसपोर्टेशन द्वारा दूसरे प्लेस पर जा रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं सॉयल इरोजन। तो यही बोले ना
कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना। जहाँ पे साथी ध्यान दीजिएगा, आपने जियो टेक्निकल में भी सवाल का कुछ जियो टेक्निकल में भी कहें सवाल मैकेनिक भी पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पे क्या बात किए थे हमने, सवाल को यहाँ पे जब डिसइंटीग्रेट होता था, फिर ट्रांसपोर्ट होता था, फिर डिसडिमेंट होता था, फिर अफेवेल होता था, ये जियो साइकिल थी वहाँ पे। तो लेकिन हम यहाँ पे जो यहाँ पे सॉयल एंड वाटर का जो हम बात करेंगे, यहाँ से हम सॉयल का जो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन है, इरोजन, उसी के बारे में अधिकतर मेनली फोकस करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे, बाकी और सारी चीज़ों को हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, मेनली हम किस पे बात करेंगे, यहाँ पे सॉयल हमारा डिसइंटीग्रेट हो रहा है। अभी मैं आपको बात करूँगा आगे, तो ये हमारा हो गया सॉयल कंजर्वेशन और ये हमारा हो गया सॉयल इरोजन। और आगे बात करें तो हमारा सॉयल इरोजन के कौन कौन से कारण हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज है उसमें देखिए सारे जो सॉयल हैं वो क्या इरोड हो चुके हैं, मतलब कि वो उसमें अपने प्लेस को छोड़कर कहीं और पर जा चुके हैं। भी मैं इसके आगे डिस्कस बात करूंगा, लेकिन अभी हम बात करें कौन कौन से कारण हैं सॉयल इरोजन के। यहाँ पे कोई एक मेन कारण नहीं है, जबकि यहाँ पे कई सारे फैक्टर काम करते हैं और उसके द्वारा हमारा कुछ यहाँ पे जो फैक्टर हैं कुछ ह्यूमन द्वारा हैं, कुछ नेचर द्वारा हैं, तो हम सभी की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले यहाँ बोला गया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल प्रोटेक्टिव कवर बाई, अब यहाँ पे क्या है जो नेचुरल प्रोटेक्टिव है इसमें क्या है कि इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज। दोस्तों यहाँ पे क्या है, हम नेचर को भी हानि हो, नेचर को हानि पहुँचा रहे हैं, जैसे हम अनवांटेड कटिंग ट्रीज को काट रहे हैं, तो इससे क्या होगा जो हमारा सॉयल है जो उसकी रूट थी वो क्या कर रही थी, सॉयल को कलेक्ट कर रही थी, बांध के रखती थी, उसमें बॉन्डिंग अच्छी बनाई रखती थी, लेकिन जब हम पेड़ को काट दे रहे हैं सॉयल फ्री हो जा रहे हैं, अब कहीं से भी कोई भी हवा कोई भी एजेंसी उसको उड़ा ले सकती है, उसको इरोड कर सकती है। अब यहाँ बोला गया ओवरग्रेजिंग ऑफ द वेजिटेटिव कवर। अब साथियों अब क्या है कि हम जानते हैं वेजिटेटिव कवर मतलब साथियों हो सकता है हम जिसको बस बोल सकते हैं, बुश बोल सकते हैं, फेंस बोल सकते हैं, या फिर छोटे छोटे घास ग्रास बोल सकते हैं, तो वेजिटेशन कवर हो जाते हैं। अगर हम उनकी कटाई करते हैं, ओवरग्रेजिंग करते हैं, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं चरना, जो मान लीजिए पूरी तरह से काट दे रहे हैं, तो क्या हो जाता है वहाँ भी सॉयल इरोजन के कारण वो भी हो जाता है। और फॉरेस्ट फायर, क्योंकि जंगल ही जंगल हम जंगल आप जानते होंगे बहुत कम ही सॉयल इरोड होता है, क्योंकि वहाँ पे रूट्स होती है जैसे मैंने बताया पहले, तो क्या होता है कि फॉरेस्ट फायर भी उसमें क्या होता है एक मेन रीजन होता है हमारा सॉयल इरोजन का। और साथ ही कुछ हो गया नेचुरल, अब बात करते हैं यहाँ पे इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैंड, ये भी एक कारण है कि हम जो लैंड का यूज कर रहे हैं वो इम्प्रॉपर तरीके से करते हैं। जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं कीपिंग द लैंड बैरन सब्जेक्टेड इट टू द एक्शन ऑफ रेन एंड विंड। अब साथियों क्या है, कहीं कहीं ज़मीन पर कोई फसल नहीं उगाते और उसको हम क्या करते हैं वैसे लैंड को बैरन ही छोड़ देते हैं, मतलब कि वहाँ पे क्या करते हैं कोई भी फसल नहीं उगाते, तो क्या होता है जब कोई फसल नहीं रहेगा, मान लीजिए ज़मीन है या फील्ड है यहाँ पे कोई फसल नहीं है, इसमें डायरेक्ट हमारा विंड और वाटर दोनों एक्ट करेंगे। अब दोनों एक्ट करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वही दो मेन एजेंसी हैं जो हमारे वाटर को सॉयल को इरोड करती हैं, लोग सॉयल को हानि पहुँचाती हैं, सॉयल की जो बाइंडिंग है उसको लूज करती हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा सॉयल इरोड हो जाएगा। अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ पे अगला है रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स बाय इंडिविजुअस क्रॉपिंग पैटर्न्स। अब साथियों हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे क्रॉप फसल को जो लगाए भी हैं जो ग्रो कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे पैटर्न यूज कर रहे हैं फसल को क्रॉप करने के लिए, या फिर ऐसे बिना किसी टेक्निकल या फिर कहें बिना किसी जानकारी के इस प्रकार के उसमें हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तरीके यूज कर रहे हैं नए नए, कि वो क्या करता है कि जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर हैं जो सॉइल के अपर लेवल में ऑर्गेनिक मैटर हैं और जो उस पर प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में उसको हम क्या कर देते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, तो भी एक हो जाता है हमारा क्योंकि वो ज़मीन फर्टाइल नहीं रह गई जिसके मतलब हमारा सॉइल क्या हो गया वहाँ का इरोड हो गया। कल्टीवेशन अलॉन्ग द लैंड स्लोप, अब क्या साथियों हम क्या मान लीजिए स्लोप है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जो मान लीजिए ट्रैक्टर से प्लाउइंग कर रहे हैं तो आप इस साइड से अगर चलाएंगे तो क्या होगा जो ऊपर की सॉइल है उसको नीचे आने की ग्राउंड जो डाउन ग्रेडियंट है उस पर आने पर ज़्यादा आसानी से नीचे आ जाएगा, जिसके कारण हमारा क्या होगा ऊपर का जो सॉइल है वो इरोड होकर के क्या आ रहा है नीचे आ रहा है, तो भी हमारा क्या है इस प्रकार से सॉइल इरोजन है, मतलब कि सॉइल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो रहा है, सॉइल एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जा रही है। अब यहाँ पे क्या हो गया फॉल्टी मेथड ऑफ इरीगेशन, जैसे सेम मैंने बताया कल्टीवेशन में वैसे हम कई बार हम क्या करते हैं इरीगेशन के मेथड को भी जो सिंचाई करते हैं वो भी गलत तरीके से करते हैं, जिसमें हमारा सॉइल इरोड होकर के जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कमज़ोर हो जाती है, इस प्रकार से हमारा सॉइल इरोजन होता है। तो साथियों मैंने बताया कि क्या क्या कारण है, अब बात करते हैं किस प्रकार से जो मैकेनिज्म है सॉइल इरोजन का वो कैसे है। साथियों बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि आप जब जियोटेक्निकल में सॉइल मैकेनिज्म पढ़े थे तो यदि आप सिविल के स्टूडेंट होंगे तभी पढ़े होंगे, अदरवाइज आप नहीं हो सकता है ना पढ़े हो सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉइल कौन कौन से प्रोसेस से हमारा जो सॉइल इरोड होता है क्या क्या उसमें स्टेप होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे पहला आता है हमारा डी अटैचमेंट। डी अटैचमेंट का मतलब क्या है, जो सॉइल है अपने
नेचुरल जो ओरिजिनल प्लेस है, जिसका ओरिजिनल प्लेस है, उससे क्या होता है, अलग हो जाता है, डी अटैच होता है। जैसे यहाँ पे देखिए अटैच मतलब लगा हुआ, डी अटैच मतलब वहाँ से अलग होना, उसको बोलते हैं डी अटैचमेंट। अब ये किस कारण हो सकता है, जिसमें होता है वाटर कारण हो सकता है और यहाँ पे खुद विंड के कारण हो सकता है, तो दोनों कारण हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। अब ये क्या हुआ, यहाँ से सॉइल डिग्रेड हुआ, डिग्रेडेशन हुआ, इसको साथ यहाँ बोलते हैं डिग्रेडेशन भी बोल सकते हैं, डिग्रेडेशन बोल सकते हैं, मतलब डी अटैचमेंट को भी, कहीं कहीं आपको ये वर्ड भी मिल जाएगा। तो डी अटैच हो गया। अब क्या हो साथियों, जब सॉइल डी अटैच हो गया, क्योंकि अब क्या है, इसमें कुछ एनर्जी है या कुछ इसमें कुछ वेलासिटी होती है, अब क्या करेंगे, अगर वाटर है तो अपने साथ फ्लो के साथ अपने रन ऑफ कर हो जाएगा, और यदि हमारा जो है सॉइल विंड कारण हो रहा है तो ये हमारा ब्लो कर जाएगा। अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, सॉइल के क्या क्या फैक्टर होते हैं, विंड के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं और वाटर के क्या इफेक्ट पड़ते हैं। अब यहाँ से जो सॉइल है वो अटैच डी अटैच हो गया, तो अब क्या करेंगे कि अपने ओन जो नेचर है वो अपना खो दिया, अब इसका ट्रांसपोर्ट होगा या तो वाटर के द्वारा या तो विंड के द्वारा, फिर ये किसी दूसरे प्लेस पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, तो वहाँ पे एक न्यू हमारा जो सॉइल है वहाँ पे उसका फॉर्मेशन होगा। ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमारा कहलाता है सॉइल इरोजन, मैकेनिक्स ऑफ सॉइल इरोजन या फिर मैकेनिज्म ऑफ सॉइल इरोजन। साथियों आप पूछ सकते हैं 10 नंबर में पूछ सकते हैं मार्क एग्जाम में, ये साथियों ध्यान दीजिएगा, और कभी दो नंबर मार्क्स में पूछे तो आप इसको आसानी से यही तीनों स्थान थोड़ा सा लिख करके एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। अब साथियों यहाँ पे आता है जो सॉइल इरोज हुआ है उसकी हम मेजरमेंट कैसे करेंगे कि हमारा जो सॉइल इरोजन है वो कैसे होगा, कितना सॉइल लॉस हो रहा है। साथियों इसका कोई यहाँ पे फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है UDS से। साथियों यह है क्या, सॉरी यहाँ पे होगा USDA, सॉरी साथियों यहाँ पे US होगा, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो उनके द्वारा यह फार्मूला दिया गया हुआ है, इसमें बोला गया है, इसको नाम दिया गया है यूनिवर्सल सॉयल लॉस इक्वेशन। साथियों आपको एग्जाम में ये USLE के नाम से भी पूछा जा सकता है कि USLE को डिस्क्राइब कीजिए, तो आपको यहाँ समझ जाना है कि यह है यूनिवर्सल सॉयल लॉस इक्वेशन। इसमें क्या करते हैं साथियों, हम यहाँ पे जो जितना सॉयल हमारा लॉस हुआ है उसको हम यहाँ पे कहते हैं एक प्रकार से अनुभव लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कितना सॉइल लॉस हो सकता है। तो यहाँ इसका फार्मूला साथ ध्यान दीजिएगा, एकल टू आर के एल एस सी पी। साथियों इसका मीन अभी मैं बताऊंगा डिटेल में कि क्या होने वाले, इससे आप डरिएगा नहीं, बिल्कुल आसान से आप इसको समझ सकते हैं। ए क्या है यहाँ पे, जैसे मैं बताया द एवरेज एनुअल सॉइल लॉस, कि हमारा वार्षिक कितना लॉस हो रहा है, मतलब एनुअल में कितना हमारा, वो भी एवरेज बताता है कितना सॉइल लॉस होगा। इसकी जो यूनिट होगी साथियों ये होगा हमारा टन पर हेक्टेयर, ये एच मतलब साथियों यहाँ पे हेक्टेयर, और ये रिलेटेड बाय द इक्वेशन, और इस इक्वेशन द्वारा हमारे यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है। अलग बात करें साथियों, यहाँ बोला गया द रेनफॉल फैक्टर, आर क्या है हमारा, रेनफॉल फैक्टर है कि वहाँ पे कितनी मात्रा में हमारी बारिश हो रही है, उसका फैक्टर क्या है, यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉरी आर हो जाता है, सॉरी साथियों ये हमारा आर है, आर हमारा क्या है, रेनफॉल फैक्टर है, और के क्या है हमारा साथियों, सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर है, इसका जो यूनिट साथियों है टन पर हेक्टेयर पर ईयर। अब ये क्या साथियों, यहाँ पे इरोडेबिलिटी फैक्टर मतलब कि सॉइल में भी कुछ ना कुछ क्षमता होती है, रेजिस्टिबिलिटी होती है कि वो इरोडन को जो इरोड हो रहा है उसकी हम रेजिस्ट कर पाए, तो वही हमारा है कितनी उसकी क्षमता है, इरोडेबिलिटी फैक्टर उसी को हम बोलते हैं। फिर आ जाता है इसका बता दिया टन पर हेक्टेयर पर ईयर में आता है। फिर यहाँ बचा एल और एस, एल साथियों वही है लेंथ, इसको मान लीजिए लेंथ से याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं स्लोप। अब इसका मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा, लेंथ एंड स्टीपनेस ऑफ स्लोप फैक्टर। अब साथियों यहाँ पे मान लीजिए कोई ज़मीन है या फिर कोई लैंड है बिल्कुल इस प्रकार से है, अब यहाँ पे इसकी जो लेंथ है, लेंथ किस में होगी, जो लेंथ रिगार्डिंग टू स्टीप, ये वाली हम लेंथ की बात करेंगे, जो ये लेंथ है तो लेंथ की हमारी जो लेंथ क्या है वो भी उसका फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करता है, और जो इसकी स्टीप है जो ढाल है वो भी स्टीप करेगा। इसका मतलब क्या साथियों, अब यहाँ पे मान लीजिए इसकी अगर लेंथ ज़्यादा है, अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो क्या होगा, सॉइल को यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, इसका हमारा जो है जो इसका वाटर का जो सॉरी जो वाटर फ्लो करेगा उसकी जो वेलोसिटी की थोड़ी सी डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे एब्रेजन होगा, कुछ इफेक्ट होगा जिस कारण वहाँ पे वाटर की जो स्पीड है फ्लो हो जाएगी, और भी बात सकते हैं लेंथ बढ़ रही है, और अगर हम बात करें अगर स्टीप बढ़ रही है तो उसकी वाटर फ्लो ज़्यादा हो जाएगी, तो सॉइल इरोड करने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे लेंथ और जो स्लोप है, स्टीपनेस ऑफ स्लोप है, दोनों यहाँ पे फैक्टर डिपेंड करते हैं, तो हमारी वो दोनों फैक्टर हैं। अब सी क्या आता है, सी हमारा क्रॉपिंग एंड मैनेजमेंट फैक्टर। अब इसका मतलब क्या साथियों, देखिएगा क्रॉपिंग मतलब हम किस प्रकार से फसल यहाँ पे उगा रहे हैं, उसमें ले रहे हैं, क्योंकि कभी होता है हम फसल चक्र जानते हैं आप, क्रॉप रोटेशन, उसको हम मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट फैक्टर। क्रॉपिंग में हम कौन कौन सा मैनेज यूज कर रहे हैं, उसकी प्लाविंग के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, उसकी क्रॉपिंग के लिए किस प्रकार से फसल को
क्रॉप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक फैक्टर डिपेंड करता है इसके लिए, क्या कहते हैं आपको, सॉयल सॉयल लॉस के लिए। ये सारी चीज़ ध्यान देना चाहिए आपको भी, यहाँ ध्यान देना है इक्वेशन को। और यहाँ पे पी क्या है, द सपोर्टिंग कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर, जैसे टेरेसिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड कंट्रोलिंग। मेन साथ यहाँ पे क्या है कि हम सॉयल को इरोजन से बचाने के लिए हम कौन कौन से प्रैक्टिस करें, कौन कौन से कंजर्व करने के लिए हम कौन कौन से यहाँ पे एक कौन कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, उसका भी यहाँ पे डिपेंड करता है। क्योंकि कहीं पे हम यूज कर पा रहे हैं, कहीं यूज नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे यूज करें उसका जो एफिशिएंसी है वो फैक्टर क्या है, तो सारी चीज़ें मिला करके यहाँ पे हम इसको निकालते हैं सॉयल हमारा कितना यहाँ पे लॉस हो रहा है, एनुअल लॉस निकालते हैं वो भी एवरेज में। इसकी भी ध्यान दीजिएगा और ये यहाँ पे आपका आ जाता है यूनिवर्सल सॉयल लॉस इक्वेशन। ये साथियों आपका यहाँ पे एक इसको फिर बता दें, यहाँ पे ये हमारा दिया था USDA, US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ये कई बार प्रैक्टिकल मतलब कि प्रैक्टिस कर करके कई सारे जो एक्सपेरिमेंट करके किसी फील्ड पर एरिया पर वहाँ पे आपको फार्मूला दिया गया है। आगे अब चलते हैं यहाँ पे, अब याद आती है सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड। क्योंकि साथियों आगे जितने भी टॉपिक आने वाले, जितने भी यूनिट आने वाले हैं, वहाँ पे हम वाटर के बारे में बात करेंगे खास तौर से कि वाटर इरोजन कैसे होता है और वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन जो पहला यूनिट है इसमें मैं आप डिटेल बात कर दे रहा हूँ कि इरोजन ड्यू टू विंड कैसे होता है और कौन कौन से मेथड हैं और कौन कौन से इसके प्रकार से इरोजन होगा। यहाँ पे विंड इरोजन में क्या होता है, विंड इरोजन डैमेज द लैंड एंड नेचुरल वेजिटेशन बाय रिमूविंग सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू डिपॉजिटिंग इट इन अदर लोकेशन। जैसे आप पता है आपको सॉइल क्या करता है, सॉइल भी वर्टिकल को अपने साथ ले जाता है, उड़ा ले जाता है। जैसे आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, ये भी सॉइल यहाँ पे है, यहाँ भी ये भी सॉइल है, तो ये भी हमारा क्या है, सॉइल इरोजन का ही प्रकार है। जब सॉइल क्या करता है, लैंड को नेचुरल जो वेजिटेशन है, जो वहाँ पे झाड़ी है, जो वहाँ पौधे हैं, जो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, उनको भी यहाँ पे लॉस करता है, डैमेज करता है। उसमें किस प्रकार से कैसे, ध्यान दीजिएगा, वहाँ के जो सॉइल है उसको रिमूव करके किसी दूसरे प्लेस पर जा करके डिपॉजिट कर देता है। तो जो वहाँ का जो न्यूट्रिएंट्स है उस सॉइल का, वो सबसे अपर लेयर में होता है और वो हमारा क्या होता है, किसी दूसरे प्लेस पर चला जाता है, तो वहाँ पर वेजिटेशन भी लॉस हो जाता है। यहाँ पे इट काजेस सॉइल लॉस, ड्राइनेस, डिटोरिएशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिएंट प्रोडक्टिव लॉस एंड एयर पोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या क्या होता है, सॉइल लॉस हो जाता है, तो जहाँ पे हमारा सॉइल गया, जैसे आप मान सकते हैं इतनी बड़ी मात्रा हमारा क्या आ रहा है, यहाँ जो सॉइल ये उड़ रहा है, वहाँ पर क्या होगा, सॉइल की कमी तो हो जाएगी, क्योंकि अब जाके ये सॉइल दूसरे प्लेस पर जा रही है, वहाँ पर सॉइल ड्राई हो जाता है। डिटोरिएशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, जो हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ हो जाता है, इसमें जो न्यूट्रिएंट है, जो प्रोडक्टिव है, वो लॉस हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे जब पहले न्यूट्रिएंट होती है वो दूसरे प्लेस पर चली गई, इसका जो जो वहाँ पे प्लांट का प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत कम हो जाती है, और एयर पोल्यूशन अलग से होता है। ध्यान दीजिएगा ये क्या एयर पोल्यूशन भी ही है, इसी कारण हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग में, तो साथियों ध्यान दीजिएगा। और आगे बात करें तो सस्पेंडेड डस्ट एंड डर्ट इन्वर्टिबली डिपॉजिट ओवर एवरीथिंग। हाँ साथियों, यहाँ पे आप जानते हो इन्वायरमेंट में कितनी डस्ट होती है, वो कहीं भी जा सकती है, वो भी हो सकता है आपके घर में हो सकता है, वो आपके रोड्स को कवर कर सकती है, हाईवे पे और कभी फल पर भी जो आपके क्रॉप से उनके फसल पर भी जाके जम जाती हैं, ये सारी साथियों यहाँ पे होता है। और मोस्ट सीरियस डैमेज क्या है, जो विंड इरोजन के द्वारा, वो क्या करती है, सॉइल को सॉइल टेक्सचर को चेंज कर देती है। अब जानिए यहाँ पे सॉइल टेक्सचर कुछ था और था, अब ये जो पार्टिकल गया, पार्टिकल सॉइल टेक्सचर चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल किसमें बदल गया, फाइन पार्टिकल में, सारी चीज़ें वहाँ पे चेंज हो सकती हैं। ये क्या है साथियों सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड, ये भी आपका मार्क्स पूछ सकता है 10 नंबर में या तो 2 नंबर में, आप इसको समझ सकते हैं। अब फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं उसको ध्यान दीजिएगा, फैक्टर्स मेनली 3 हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक क्लाइमेट है, आपका क्लाइमेट है, सॉयल है और वेजिटेशन है। वेजिटेशन साथियों आप हमेशा समझिएगा, हम हमेशा आप उसको पेड़ पौधे हरियाली से मान लीजिए, जहाँ भी आप जाते हैं हरियाली है वहाँ पे वेजिटेशन है, तभी वो हरियाली दिख रही है, नेचुरल हरियाली जिसको बोलते हैं, तो वो वेजिटेशन आप मान सकते हैं, चाहे वो घास हो, चाहे छोटे पौधे हों, चाहे फसल हों, चाहे आपकी जो कुछ पहाड़ों में देखते हैं छोटे छोटे घास जो भी निकल देखते हैं आपको, वेजिटेशन वो आप मान सकते हैं, झाड़ी भी मान सकते हैं। तो क्या होते हैं वेजिटेशन, ज़्यादा वो क्या करते हैं, विंड इरोजन को अफेक्ट करते हैं किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पे, जैसे आप जानिएगा। और साथ यहाँ हम बात करें क्लाइमेटिक फैक्टर्स, या क्या क्या साथियों आप इसको समझ सकते हो, ये क्लाइमेट से कुछ ना कुछ चेंज होगा, कुछ रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो विंड इट्सल्फ मतलब क्या है, उसकी वेलास्टिक क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये भी इफेक्ट करती है। अब मान लीजिए साथियों यहाँ पे आपने क्या है, ट्रीज है और यहाँ पे आपका आपका फील्ड है, अब इधर सॉइल आया तो यहाँ पे इरोज कर देगा। अब मान लीजिए अगर यहाँ से आया तो इधर चला जाएगा कोई, क्योंकि यहाँ कोई अफेक्शन नहीं, अगर इधर से आया तो मान लीजिए यहाँ पे सॉइल में कुछ जो ट्रीज हैं वो आपको सॉइल कुछ रोक सकती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे डायरेक्शन भी डिपेंड करती है और इसकी वेलास्टिक क्या होती है ये भी ध्यान दीजिएगा। इन एडिशन टू द प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, इसके साथ वहाँ पे कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसकी जो रेनफॉल है वो ध्यान दीजिएगा, उस विंड में कितनी ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज़ें उस विंड के अंदर जो विंड का फैक्टर्स है, क्लाइमेट है, वो भी डिपेंड करता है। दूसरा यहाँ पे सॉइल का मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर कंडीशन क्या है, टेक्सचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो विंड है वो कुछ
स्पेसिफिक डेंसिटी तक ही सॉइल को इरोड कर पाता है, तो यहाँ पे उसको भी डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट उसमें कितना है, ये भी कुछ है यहाँ पे हैं जो विंड द्वारा इरोजन को अफेक्ट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये सवाल हो गया। और अगला है सरफेस फीचर लाइक। अब साथियों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विंड नहीं, आप यहाँ पे जो सरफेस है उस पर बात करने वाले हैं हम लोग, जैसे वेजिटेशन या फिर आर्टिफिशियल द्वारा, यहाँ मल्चिंग बात करेंगे आगे चल के, तो मल्चिंग क्या होती है उसकी भी हम बात करेंगे। हैव द प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन विंड इरोजन प्रॉब्लम एज सरफेस कवर इंक्रीजेज रफनेस कवर। मतलब साथियों क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे वेजिटेशन हमारा बढ़ रहा है जो सरफेस को कवर कर रहा है, अब क्या होगा जब सरफेस को में वेजिटेशन लेंगे तो उसका जो रफनेस वो बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले सवाल स्मूथ था, अब क्या हो गया यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वेजिटेशन हो गया है, कहीं बड़े हैं कुछ छोटे हैं, अब क्या जब सॉइल होगी तो कहीं पे अब ये रफ नहीं रहा, अब ये रफ हो गया है, मतलब कि यहाँ पे जब विंड आएगा यहाँ पे जब ब्लो करेगा तो यहाँ पे इसकी जो होगी इलास्टिक है इस बॉटम लेयर में क्या होगी जो उसकी रिड्यूस होती चली जाएगी, क्योंकि रफनेस कारण। अब क्या होगा यहाँ पे इरेजिव विंड फोर्स यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है ऑन द लैंड सरफेस, जो सरफेस होती है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बोला गया फॉर ईच स्पेसिफिक सॉइल टाइप, यहाँ थोड़ा सा मुझे आपको एक टर्न बताना था, इसमें मैंने ये आप पॉइंट यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड वेलोसिटी क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेलोसिटी क्या होती है विंड की, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। तो सभी जो सॉइल टाइप होते हैं उनकी एक कंडीशन होती है जहाँ पे वो एक मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है पार्टिकल को मूव करने के लिए, क्योंकि एक दूसरे से वो एक स्ट्रक्चर द्वारा बॉन्डिंग होती है, बढ़िया बॉन्डिंग होती है, लेकिन उनको कुछ ना कुछ फोर्स जरूरत होती है, उस फोर्स के लिए विंड को एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है ताकि उन पार्टिकल को मूव कर पाएँ, तो वो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू मूव द सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेलोसिटी, ये ध्यान दीजिएगा। अगर एक बार वेलोसिटी ये थ्रेशोल्ड वेलोसिटी रीच हो गई, आप विंड को मिल गई, तो क्वांटिटी ऑफ सॉइल वोड इज डिपेंडेंट अपॉन द पार्टिकल साइज, उसके बाद यहाँ पे पार्टिकल साइज पर डिपेंड करेगा, फिर उसके जो क्लाडिनेस मतलब जो पार्टिकल है जो क्लाग हैं उस पर डिपेंड करेगा, फिर विंड वेलोसिटी इटसेल्फ यहाँ पे डिपेंड होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका विंड इरोजन होने लगेगा। यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेलोसिटी हमको बताना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये यूज किया, इसको टॉपिक हम बताया रखा था। फिर यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ विंड इरोजन क्या है, अभी मैंने बताया मैकेनिज्म ऑफ सॉइल इरोजन, विंड इरोजन क्या है, यहाँ पे इरोजन तो सॉइल की हो रहा है लेकिन जो मेथड है जो एजेंसी है वो क्या है, विंड है, हवा के द्वारा। तो अब ध्यान दीजिएगा ये विंड है आपका, इस डायरेक्शन से आपका विंड आ रहा है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सस्पेंशन, यहाँ तीन प्रोसेस आपको दिया गया है, साल्टेशन, यहाँ साल्टेशन है, सस्पेंशन है और यहाँ पे क्रीप है। तो सस्पेंशन साथियों आप जानते होंगे, सस्पेंशन कई बार आप नाम भी सुने होंगे, इसमें क्या है जो फाइन पार्टिकल हैं आप सॉइल वो क्या होंगे जो विंड है उसी में क्या होंगे सस्पेंड हो जाएंगे, मतलब कि उन्हीं के साथ मिलकर कहीं दूर जाकर के जमे होंगे, तो फाइन पार्टिकल बात करें तो ये हमारे क्या सस्पेंशन हो जाएगा सॉइल का। अब यहाँ पर साल्टेशन क्या है, अब मान लीजिए साथियों यहाँ पे विंड है, विंड क्या करेगा यहाँ पे प्रेशर डालेगा, क्या डालेगा प्रेशर डालेगा, जब प्रेशर डालेगा साथियों तो यहाँ पे मान लीजिए छोटा पार्टिकल था जैसे मैंने बताया थ्रेशोल्ड वेलोसिटी, अब यहाँ पे जब वेलोसिटी तक पहुँचा तो यहाँ पे प्रेशर डाला, जैसे ये क्या हो गया ये, अब ये भी क्या हुआ ये बड़ा, क्योंकि इससे बड़ा पार्टिकल था ये भी थोड़ा फोर्स के साथ ये भी उड़ गया, जब उड़ गया तो कहीं ये भी जा करके जमेगा या फिर ये फिर यहाँ से उड़ जाएगा, इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं साल्टेशन होता है। क्रीप क्या साथियों आप जानते होंगे, जब भी विंड बहती है कुछ जो पार्टिकल होते हैं लुढ़कते हुए जाते रहते हैं आगे, क्या होते हैं लुढ़कते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, हमारा क्या हो सकता है क्रीप हो जाता है। इस प्रकार तीन यहाँ पे टर्म यूज हुए, सस्पेंशन, क्रीप और साल्टेशन, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि विंड इरोजन को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि विंड इरोजन अच्छी चीज़ नहीं है, या फिर कहें सॉइल इरोजन ही अच्छी चीज़ नहीं है, सॉइल द्वारा विंड इरोजन हो रहा है तो विंड द्वारा सॉइल इरोजन हो रहा है तो उसको हम कैसे अलाउ करें, वो भी हमको रोकना है। तो यहाँ पे तीन मैंने बताया है, कुछ मेथड बताए हैं मैंने, तीन मेथड इसको डिवाइड किए हैं, जिसमें पहला हमारा मेंटेन वेजिटेशन, वेजिटेटिव कवर, फिर साथ ही यहाँ पे बोला मैंने वेजिटेटिव मतलब यहाँ पे यहाँ तो हरियाली से बात करिएगा, जो हमारा ग्रीन लैंड होता है उससे बात करिएगा, उसको हम मेंटेन करें, इसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं वेजिटेटिव मेजर्स, एग्जाम में आप घबराइएगा नहीं, वेजिटेटिव मेजर्स होता है। रफन द सॉइल सरफेस बाय द टिलेज प्रैक्टिसेस, अब साथ ही टिलेज क्या होता है आप इसको समझ सकते हैं, प्लॉविंग, प्लॉइंग मतलब साथियों क्या होता है जुताई, हम खेत की जुताई करते हैं, जो फील्ड है उसकी हम जुताई करवा देते हैं, अभी उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसमें आपको बताऊंगा। टिलेज प्रैक्टिस आर मे बी कॉल्ड एज मिलेज टीजर्स, टिलेज मेजर्स, अब साथ यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ कुछ टर्म्स इसको ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ जैसे मैंने बताया वेजिटेटिव मेजर्स, यहाँ पे क्या हो गया टिलेज मेजर्स। अब यहाँ पे अगला क्या है मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल मेजर्स, जिसको मैकेनिकल मेजर बोलेंगे, ये साथ यहाँ टर्म याद करिएगा, आइए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है मेंटेन वेजिटेशन वेजिटेटिव कवर मीन्स वेजिटेटिव मेजर्स, और यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे, फिगर का ज़्यादा फोकस होता है आपके याद रहेगा, इसमें मैं फिगर भी डाला हूँ, जहाँ भी जैसा मिला आपको फिगर देख के बताया हूँ। अब यहाँ पे बोला गया वेजिटेटिव मेजर कैन बी यूज रफ इन द होल सरफेस एंड प्रिवेंट एनी सॉइल मूवमेंट,
अभी आप क्या, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको, कुछ नहीं, आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बस आपको टर्म यूज बताना है मुझे। अब यहाँ पे जो वेजिटेटिव है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हो, ये सरफेस को रफ कर दिए, रफ कर दिए, इससे क्या हो गया, टू होल सर्फेस एंड प्रिवेंट एनी सॉयल मूवमेंट। अब यहाँ से क्या होगा, सॉयल का मूवमेंट भी नहीं होगा, इनकी जो रूट है वो, उनका जो रूट है वो सॉयल को एक तरह से जगड़ के रखेंगे, तो अब क्या होगा, उनका मूवमेंट भी नहीं होगा। एम इज टू कीप द सॉयल रफ एंड रिजिड, इनका मेन एम क्या होता है, सॉयल को रफ करना और रिजिड करना, टू आइदर प्रिवेंट एनी मूवमेंट इनिशियली आर क्विकली ट्राई बाउंसिंग सॉयल पार्टिकल्स इन द डिप्रेशन ऑफ द रफ सर्फेस। यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमेशा क्या करते हैं, इनका जो मेन एम है वो क्या करते हैं कि वो जल्दी से, जो क्विकली, अगर मान लीजिए कोई भी क्विकली बाउंस सॉयल है, पार्टिकल्स हैं, तो उनको मान लीजिए कुछ सॉयल ढीले भी होंगे, कुछ यहाँ पर लूज पार्टिकल होंगे, लेकिन इनके द्वारा क्या होगा, कहीं ना कहीं वो आकर के यहाँ पे सॉयल इरोड होने से बच जाएंगे, मतलब कि कहीं दूर जाकर नहीं जमे होंगे, वहीं फांसी में रहेंगे, ये समझ सकते हैं आप। और यहाँ बोला गया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मीन्स रिड्यूस टू द इफेक्ट ऑफ विंड ऑन सॉयल। अब ये मोस्ट इफेक्टिव है, इससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकते आप, इसलिए हम हमेशा पढ़ते हैं कि वेजिटेशन होना जरूरी होता है, और इकोनॉमिकल भी है, ज़्यादा कोई खर्च भी नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे कुछ नहीं, अगर आप कुछ दिन घास वैसे छोड़ देंगे तो घास खुद ही उगाएगी, और ये सारी झाड़ियाँ वैसे भी आ जाती हैं, कुछ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इकोनॉमिकल भी है, इफेक्टिव भी है, इस प्रकार से हम बोलते हैं। इट इज नॉट ओनली रिटार्ड द वेलोसिटी नियर द ग्राउंड सर्फेस, यहाँ बोला गया कि ये ग्राउंड सर्फेस जो विंड है उसका उसकी वेलोसिटी को ही नहीं कम करते, बल्कि जो सॉयल अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्स विंड द टेयर बाई हेल्पिंग द रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन। जो ये क्या करते हैं, अभी सॉयल का जो जो विंड का अट्रैक्टिव फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसके द्वारा भी इसको होल्ड करके, सॉयल को होल्ड करके रखते हैं, इसके अंदर होल्ड करके रखते हैं, ताकि यहाँ पे इरोड ना हो पाए। ये साथ हमारा था वेजिटेटिव मेजर्स। अब अगला बात करते हैं यहाँ पे टाइलेज टेलेज प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे क्या है, रफ एन द सॉयल बाय द टेलेज प्रैक्टिस। अब साथ यहाँ पे आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि अगर हम खेत की जुताई कर देंगे तो हमारा जो सॉयल है वो लूज हो जाएगा, तुरंत इरोड कर जाएगा। लेकिन साथ ही यहाँ कुछ आपको यहाँ पे टेक्निकल जो चीज़ें जरूरत पड़ेगी, आप इसको थोड़ा समझिएगा क्यों यहाँ पे बोला गया। तो यहाँ पे यह क्या है कि यहाँ पे हम सॉयल क्या करते हैं, प्लाउ मतलब जुताई कर देते हैं, कि यहाँ पे जो विंड इरोजन को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। इसमें क्या होता है, अधिकतर इसको करते हैं जब विंड इरोजन स्टार्ट होता है उससे पहले कर देते हैं। इसमें क्या होता है, प्लाउइंग बिफोर रेनफॉल, अगर हम जो जुताई किए खेत की, अगर हम रेनफॉल बारिश होने से पहले कर दिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये मॉइस्चर को कंजर्व कर लेगा, इसमें क्या हो जाएंगे, मॉइस्चर चले जाएंगे। अगर हम मान लीजिए प्लेन ज़मीन है, अगर यहाँ पे जाएगा मॉइस्चर तो डर्ट जल्द ही इवेपरेट हो जाएगा, वो जल्दी अंदर उसके पोर्स में नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर हम प्लाविंग कर दिए हैं, जुताई कर दिए हैं, तो इसके पोर्स तक चला जाएगा वाटर। अब क्या होगा, यहाँ पे सॉयल मॉइस्चर उसमें बढ़ने रहेगा, उसमें मॉइस्चर बना रहेगा। और यहाँ प्लाविंग इसलिए भी, द डिस्क प्लाव इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ रफ सरफेस। और साथ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको हम, अगर हम रफ डिस्क इसको बोलते हैं, डिस्क प्लाविंग, पर इसको यूज में ले रहे हैं तो और अधिक इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अदर। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े यहाँ पार्टिकल होंगे और यहाँ पे अधिक सॉयल क्या होगा, इसमें जो वाटर है, जो वाटर से वो ज़्यादा यहाँ पे कहीं ज़्यादा यहाँ पे जा सकते हैं, इसको स्टोर कर सकता है, इसको ज़्यादा बर्निंग कर सकता है, विच इन टर्न रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इरोजिव विंड वेलोसिटी। और क्योंकि आप यहाँ पे क्या होगा, विंड वेलोसिटी वो भी, क्योंकि जो रफ हो गया अब इसके कारण क्या होगा, हमारी विंड वेलोसिटी भी कम हो सकती है। तो बोथ द अबव इफेक्ट आर हेल्पफुल एंड कंट्रोलिंग द विंड इरोजन। अब यहाँ से जो ये बताया गया वो सही है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेज जो हैं कि यहाँ पे दे सकते हैं। हम पहले क्या करते हैं, टिलेज कर देते हैं, मान लीजिए एक बार नहीं दो बार, दो तीन बार यहाँ पे जुताई कर देते हैं, टिलेज कर देते हैं। दूसरा क्या है, यूज ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे हमने क्रॉप को काटा, जो क्रॉप उसको हमने क्रॉप कर लिया, फसल को क्रॉप कर लिया, उसके बाद जो यहाँ पे रूट्स है उसकी हम यहाँ पे छोड़ दिए, यही छोड़ दिए हैं, इससे क्या होगा, वाटर का यहाँ पे रफ सर्फेस रफ हो गया। मेन रीजन क्या है, हमारा सरफेस को रफ करना, सरफेस हमारा रफ हो गया, यहाँ पे सॉयल की इलास्टिक क्या हो जाएगी, विंड की इलास्टिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण हमारा क्या होगा, यहाँ पे सॉयल इरोड होने से बच जाएगा। और साथ में यदि बारिश हुई, यहाँ पे वाटर भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिस कारण यहाँ पे बर्निंग और मजबूत हो जाएगी उनके बीच की। या फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग साथ ही मैं अभी आगे डिटेल में बात करूँगा, वैसे भी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, हमने क्या किया है, जो क्रॉप को उगाया है वो क्या है, स्ट्रिप में किया है। अब यहाँ पे क्या हो गया, वही रफ सर्फेस हो गया, मान लीजिए यहाँ वाटर सॉरी यहाँ पे जब विंड टकराया तो इसकी क्या हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो अब मान लीजिए अगर यहाँ सॉयल इरोडेशन भी हुआ तो यहाँ पे जाके आपका जो सॉयल का डिपोजिशन हो जाएगा, तो ज़्यादा दूर तक जाएगा भी नहीं, तो यहाँ पे हो गया, मतलब कि तुरंत यहाँ पे सॉयल का इरोड हुआ, लेकिन तुरंत यहाँ पे अगर डिपोजिशन हो गया तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा हो गया टिलेज प्रैक्टिसेस, जिसको मतलब टिलेज मेजर। अब कुछ होते हैं मैकेनिकल मेजर्स भी हैं, कुछ मैकेनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ मैकेनिकल यहाँ पे टेक्निक अपनाई गई, जैसे यहाँ पे विंड ब्रेक्स हो सकता है या सिलेंडर ब्रेक्स हो सकता है।
अच्छा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, विंड ब्रेक्स या फिर सेल्टा ब्रेक्स। अब यही है हमारी, जो आप देख सकते हैं ना, फील्ड के बगल का हमने क्या किया, कुछ हाई हाइट की, जो इनकी हाइट, जिन ट्रीज जो होते हैं जिनकी हाइट हाई है, उनको हम यहाँ पे उगा दिए हैं। अब क्या होगा, विंड क्या होगा, ऊपर ऊपर ज़्यादा ग्राउंड को टच नहीं करेगा, या फिर जो ग्राउंड को टच करेगा उसकी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, कम होगी विंड की। इस प्रकार से क्या होगा, विंड को हम बचा सकते हैं। इसी प्रकार से सेल्टर बेल्ट, इसकी इसी द्वारा हमारा यही टर्म सेल्टर बेल्ट में भी यूज होता है, अधिकतर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है। स्टोन पिचिंग, आप जान लो यहाँ पे स्टोन पिचिंग हम क्या कर दिए, स्टोन को पिच कर दिए। अब क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हाई है, सॉइल द्वारा ये इरोड नहीं हो पाएगा, विंड द्वारा ये इरोड नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा सॉइल इरोजन बच सकता है। फिर यह बोलेगा फेंस, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी क्या हो गया, हम यहाँ पे फेंस लगा दिए, ताकि देखिए आप यहाँ पे, यहाँ फेंस था, देखिए अब यहाँ पे विंड आया, अब यहाँ पे आराम से इसका आराम से प्रैक्टिकल देख सकते हैं, यहाँ से सॉइल उड़ा लेकिन इरोड हुआ, लेकिन यहाँ पे आकर के डिपॉजिट हो गया, ज़्यादा दूर तक नहीं गया। इसके बाद यहाँ पे लेवल देखें तो यहाँ तुरंत कम है, यहाँ पे क्या है इसका कम है, लेवल इसका कम है लेकिन यहाँ पे हाई है, क्योंकि यहाँ फेंस है, फेंस द्वारा यहाँ पे जो सॉइल इरोड हुआ था उसका यहाँ पे डिपोजिशन हो गया है। इसका ध्यान कुछ मैकेनिकल मेजर्स हैं, यहाँ ध्यान सकते हैं, ये क्या करते हैं हमारे विंड वेलोसिटी को रिड्यूस करते हैं, और जो स्टेबलेशन है और फेवरिंग द स्टेबलेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, यहाँ पे जो ये जो बन रहे हैं, जिस जो हाई लेवल के बताया मैंने, यहाँ पे इसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स बोलते हैं, इसमें हमारा क्या होता है विंड का वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे एक मैन मेड हो सकता है और नेचुरल बैरियर के रूप में काम करता है। अब यहाँ पे साथ आता है वेजिटेशन मैनेजमेंट, वेजिटेशन जैसे मैंने बताया साथ, ये सब क्या है, वेजिटेशन ही, इसलिए मैं इसको फिगर दिया हूँ। अब देख सकते हैं कुछ बड़े ट्रीज हैं, कुछ झाड़ियाँ हैं, कुछ घास हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के यहाँ पे वनस्पतियाँ हैं, तो सब क्या आते हैं वेजिटेशन में आते हैं। वेजिटेशन मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, इसको ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा डिटेल टॉपिक नहीं मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इसकी जरूरत है आपको जानने की। तो वेजिटेशन मैनेज आप जानते होंगे, आप डिफॉरेस्टेशन नाम डिफॉरेस्टेशन जानते हैं, जब जंगलों को हम काटते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ कोई गाँव है, वहाँ पर आप रोड चौड़ी कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ आएंगे, यहाँ पे आपके वेजिटेशन आएंगे, बगल पेड़ों की कटाई होगी। फिर मान लीजिए आप वायर लाइन बिछा रहे हैं, तो वहाँ भी आपकी कटाई, पेड़ों की कटाई होगी, क्योंकि वायर और यहाँ पे वेजिटेशन, क्योंकि आप इसको अर्थ देश जानते ही हैं, अर्थ हो सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम वेजिटेशन को मैनेज करते हैं कि हमको ज़्यादा कटाई भी ना करनी पड़े, और क्या हो कि हमारा वेजिटेशन भी बना रहे। तो यहाँ पे कुछ प्रकार से वही होते हैं वेजिटेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि विंड को इरोड करने के लिए क्या हम वेजिटेशन अपनाते हैं। तो यहाँ जानते साथियों, यहाँ पे मैंने बताया स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग, यहाँ पे कंट्रोल फार्मिंग, और मैं आगे बात करूँगा। यहाँ पे क्या है साथियों, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने बात करूँगा पहले स्ट्रिप क्रॉपिंग में। यहाँ पे क्या होता है साथियों, ये आप यहाँ देख पा रहे हो, एक स्ट्रिप ये है, हो सकता है आपको साथियों कलर ना दिख रहा हो तो मैं चेंज कर ले रहा हूँ। एक स्ट्रिप ये है और एक स्ट्रिप ये है। अगर आप इसमें देखेंगे तो दोनों स्ट्रिप में क्या है, अलग अलग यहाँ पे क्रॉप उगाई गई हैं, क्या दोनों क्रॉप अलग अलग हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे और इसके बगल देखेंगे, तो सभी क्रॉप क्या हैं, अलग अलग हैं। इसमें क्या होता है कि हम फसलों को अलग अलग क्रॉप में यूज करते हैं, अलग अलग क्रॉप यहाँ पे स्ट्रिप वाइज हम यहाँ पे फसल को उगाते हैं। इससे क्या होता है कि मान लीजिए इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी कम है, तो वही बात है कि हम विंड को यहाँ पे विंड के स्पीड को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, सिंपल से रिड्यूस करते हैं, ताकि हमारा विंड इरोड ना हो, सॉइल इरोड ना हो पाए। और यहाँ बात कर सकते हो कंट्रोल फार्मिंग की, तो यहाँ पे हमारा जब स्लोप ज़्यादा होता है, ग्रेडियंट यहाँ पे स्टीप स्लोप होता है, वहाँ पे हम कंट्रोल फार्मिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस कुछ इस प्रकार से हो जाती है, देख पा रहे होंगे कंट्रोल मतलब साथियों क्या होता है, द पॉइंट कनेक्टिंग द सेम एलिवेशन, यहाँ पर सेम, देखिए यहाँ पे इन दोनों को क्या है, यहाँ पे एलिवेशन सेम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या किए हैं दोनों को, यहाँ पे अलग फील्ड, यहाँ पे अलग फील्ड, यहाँ पे इस द्वारा कर दिए हैं। अब साथ ही यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग में भी दो प्रकार से हो सकती है, यहाँ पे एक होता है कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, एक होता है यहाँ पे इस प्रकार से ग्रेडियंट, एक हमारा कंटूर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ग्रेडियंट क्रॉपिंग, यहाँ पे दो प्रकार से हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिप, यहाँ पे ज़्यादा ढाल है, ज़्यादा ग्रेडियंट, तो हम क्या करेंगे कुछ इस प्रकार से भी यहाँ पे स्ट्रिप बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे, ताकि वहाँ पे भी हमारी जो सॉइल है इरोड ना हो पाए। अब साथ नेक्स्ट आता है जो एक मेन है, वो है स्टेबल मल्चिंग। ये हमारे साथ जो स्टेबल मल्चिंग, ये क्या होता है, मल्चिंग मतलब साथियों ये है कि जो हम फसल को क्रॉप करते हैं तो ऊपर से क्रॉप कर लिए, और जो नीचे की हमारी जो रूट्स हैं उनको हम वहीं पे खेत में छोड़ देते हैं, या फिर जो फील्ड है वहीं छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है साथियों, यहाँ पे वही मेन हमारा क्या है कि ग्राउंड को रफ करना, ताकि वहाँ पे विंड की स्पीड कम हो जाए। यहाँ पे कई सारे फायदे होते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे साथियों विंड आया, स्पीड कम हो गई, और एक चीज़ है जो वाटर यहाँ पर होगा, तो यहाँ वाटर लॉजिंग आ जाएगी, मतलब कि यहाँ पे वाटर की जो अमाउंट है वो बना रहेगा, बरकरार रहेगा। और हम क्या करेंगे, बिना
बिना इसको कुछ किए, बिना किसको दूर किए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ना बर्न करेंगे ना इसको क्रॉप कर घटाएंगे, यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के यहाँ पे कुछ क्रॉप उगाएंगे, यहाँ पे क्यारी में या फिर कहें रोज में लगा देंगे, जिसके कारण हमारा क्या होगा वो फसल तैयार हो जाएगी और इसी के साथ पड़ा रहेगा, जिसकी प्लाइंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जुताई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेबल मिल्चिंग रिफर्स टू लिविंग द स्टेबल और क्रॉप रेसिड्यू, मतलब कि जो स्टेबल्स हैं या फिर जो क्रॉप रेसिड्यू है उसको यहाँ पे खेत में छोड़ने को रिफर करता है ये। इसेंशली इन प्लेस ऑन द लैंड एज सरफेस कवर ड्यूरिंग द फॉलो पीरियड। स्टेबल मल्चिंग कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन फ्रॉम द विंड और वाटर कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर। मतलब साथ यहाँ पे क्या वही बोल रहे हैं, यहाँ पे वाटर इरोजन भी सेव करता है। जब हम वाटर इरोजन की बात करें तो वहाँ भी इसको फिर से डिस्कस करेंगे, मल्चिंग या फिर स्टेबल मल्चिंग, इसको हम कई प्रकार की मल्चिंग भी होती है तो उसको भी हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये साथ में विंड इरोजन भी यहाँ पे रोकता है और यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन भी करता है, वाटर भी को भी कंजर्व करता है। तो ये साथ ही यहाँ पे दोनों प्रकार से इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से हम यहाँ बात कर सकते हैं, आप फिगर साथ इसको समझ सकते हैं। यदि आपको साथ ही इस प्रकार से वीडियो चाहिए, अगला वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम अच्छा जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आपको जरूर मिले, और साथ ही अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट नया है, आप उनकी हेल्प कर लीजिएगा ताकि उनके भी मार्क्स अच्छे स्कोर हो, क्योंकि आप जानते हैं हमको सभी को पास ही होना होता है और कोई टॉप करना नहीं चाहता इस सब्जेक्ट में, ऐसे सब्जेक्ट में बस शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, अपने कॉलेज के ग्रुपों में, अपने दोस्तों के ग्रुपों के साथ, बस जीते रहिए, जगते रहिए। थैंक यू।